के साथ तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को कुछ पांच ट्रिक्स ताकि आप लोग माइनक्राफ्ट पीई वर्जन में पीवीपी में सबसे ज्यादा प्रो लेजेंड बन जाए, बोले तो गेमर फेल्ट और टेक्निकल बिल्ड से भी ज्यादा। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना ताकि आप लोगों को सारी की सारी हम ए ट्रिक्स के बारे में पता चल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ट्रिक्स और टिप्स वाले वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है और कई सारे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं इंटरेस्टिंग। सो लाइक से सब्सक्राइब और बदार वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट इट अमेजिंग गेम प्ले। पहली ट्रिक है वो है एक्सिया स्वॉर्ड में से कोई, क्योंकि ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है पीवीपी के लिए कौन अच्छा है। अगर मैं तो आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास खतरनाक सी स्वॉर्ड है, शार्पनेस 5 वाली, फायर एक्सपेक्ट वाली और नॉक पैक, मेंडिंग, लूटिंग ये सब लगे, तो आप लोगों को मैं स्वॉर्ड अफोर्ड कहूँगा क्योंकि स्वॉर्ड ज़्यादा अच्छी होगी तब एक्स। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी स्वॉर्ड नहीं है तो एक्स ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि देखिए इससे डैमेज भी ज़्यादा पड़ता है और अगर आपके आगे वाला बंदा सील लेके खड़ा हो ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए मेरी सील के हेड अभी फुल है, देखिए मैं इनके पास जाऊँगा, इन इवोकर्स के पास, ये मेरे सील का क्या हाल करेंगे। देखिए 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 देख रहे हो फुल हेल्थ वाली सील को कुछ ही देर के अंदर तोड़ डाला, देख रहे हो देख रहे हो। मेरे पास यहाँ पर जंप बूस्ट है इसलिए भाई क्या, नहीं तो भाई मैं मरता ना अभी। मेरे फुल हेल्थ वाली सील को इन्होंने तोड़ डाला, तो उस हिसाब से सील इज बेटर देन स्वॉर्ड। ओके तो अभी बढ़ते दूसरे पे है एफपीई वर्जन के लिए, वो है कि आप लोगों को हमेशा अपने पास एक लॉयल्टी और एक रिप्टाइड वाली ट्राइडन रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखिए अगर आपके पास रिप्टाइड वाली रहेगी तो आप जल्दी से एस्केप कर पाएंगे वहाँ से। और अगर आपका दूसरा मतलब आपका एनिमी अगर वहाँ से भाग रहा है तो आप उसको भी आप बहुत अच्छे से मार सकते हैं। और अगर लॉयल्टी वाली रहेगी तो आप उसे डैमेज भी दे सकते हैं ट्राइडेंट से, क्योंकि ट्राइडेंट का डैमेज सबसे ज़्यादा होता है इन वेपन इन माइनक्राफ्ट। तो इस हिसाब से तो ट्राइडेंट बेस्ट फॉर पीवीपी। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक, जो दूसरा ट्रिक है वो है आप लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा अपने, ये देखिए ये वाला बंदा आ रहा है, इसको देखिए कैसे मरना है, देख रहे हो कूद के ऐसे करके मारना पड़ेगा, कूद के ऐसे करके, ये जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली ट्रिक है। देखिए तो ये ऐसे जैसे आप कूदेंगे उसके बाद जैसे आप गिरने वाला होंगे तभी मारना होगा, तो क्या होगा उसका डैमेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वन शॉट लेता है तब पीले मतलब विंडिकेटर को वन शॉट लेता है विंडिकेटर्स को। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो बारिश है ना इसलिए बच जा रहे हैं, अगर बारिश नहीं होती तो मर जाते लोग, नहीं तो 200 लगे अगर पानी से लिपटे हो, क्योंकि इसमें फायर एक्सपर्ट है ना तो इस हिसाब से तो ये 200 नहीं मरेगी। तो मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पर एक शॉट मारा, फिर से एक शॉट, उसके बाद दूसरा शॉट उस प्लेयर को, तो इस हिसाब से यही सही है कूद के मारना। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ, हमारा जो दूसरा ट्रिक है वो है लावा वाला ट्रिक, क्योंकि गाइस देखिए जो लावा होता है ना सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा पीवीपी के लिए। देखिए अगर आपको कोई मार रहा है तो मारते मारते आपकी हेल्थ कम हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके यहाँ पर लावा दे देना पड़ेगा। अबे तुम लोगों की मारू, देखिए ऐसा लावा दिया जल के मर गया, देख रहे हो। मेरे पास फायर प्रोटेक्शन 5 वाली है लेगिंग्स है ना इसलिए मैं बच गया, ये तो मैं भी मरता।
तो देख ही सकते हो लावा अपने पास रखना तो आप बच जाओगे और पीवीपी में एकदम मार कर जाओगे। तो अभी बढ़ता है दूसरे पीवीपी ट्रैक की तरफ। पीवीपी ट्रैक है वो है ये अंडर पर रखना, जो कि एक क्लच टाइप का भी होता है, माना कि एक क्लच टाइप का है लेकिन पीवीपी में बहुत ज़्यादा मदद करे। पकड़ लीजिए आपकी हेल्थ कम है और आप को मारे जा रहा है और आपको उससे बचना है। तो देखिए क्रीपर आया, मैं देखा बच गया मैं, सॉरी मेरा गलत जगह पे मारना हो गया, नहीं तो अगर आप लोग सही जगह पे मारेंगे तो बच जाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर क्रीपर है, इससे बचने के लिए वाई वाई वाई, वाई बच्चे बच गया देख रहे हो ऐसा आप लोग बच सकते हैं। उसके बाद हेल्थ फिल होने के बाद इसको तो कूद डालना आप लोगों। ओके तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ट्रैक की तरफ। हमारे जो लास्ट है सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रैक है वो है ए वाली। तो पी वर्जन में क्या होता है आप लोगों को पता है, ये जो ये दो दो जॉयस्टिक्स होती है आप लोगों को हैंडल करने के, आप लोगों को आगे और पीछे जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, पता ही होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का इस तरह से यूज़ करना है। देखिए पहले यहाँ पर ब्लॉक लगाया ऐसे करके क्या करना होगा आप लोगों को, ऐसे पहले आगे वाला दबाना, उसके बाद पीछे वाला, उसके बाद आगे वाला, उसके बाद पीछे वाला, उसके बाद आगे वाला, उसके बाद पीछे वाला, ऐसे आप लोग दूसरे के डैमेज से बच भी पाएंगे और दूसरे को मार भी पाएंगे। हो सकता है ये दो एक दो बार लग जाए लेकिन ज़्यादा वाले नहीं लगेगा। देखिए ये लोग इतने सारे वो विंडिकेटर थे, इनके पास आयरन की शॉट थी, माना कि मेरे पास फुली इंचेंटेड डार नेदरराइट का आर्मर है, लेकिन फिर भी अगर सब मिलकर मुझको सारे सब बार में मार देते ना तो क्या हो, मैं मर जाता। तो इस हिसाब से ये ट्रिक बहुत ज़्यादा खतरनाक आने वाली है। तो मैं फिर से आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाते हैं इस फॉर्म के साथ। ये बड़बक देख रहे हो एक बार में खल्ला। तो मैं सजेशन तो आज के लिए बस देता है, मैं लगा धोएगी।